नमस्कार। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और उसे भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दिया गया था। आरबीआई के द्वारा पहला नोट 5 रुपए का छापा गया था, जिस पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर छपी हुई थी और इस नोट को 1938 में छापा गया था। वर्ष 1947 भारत की आज़ादी के रूप में मनाया जाता है और इसके बाद से भारत में कई सारे बदलाव देखने को मिले थे। 1950 में जब भारत गणराज्य बन गया, तब भारतीय रुपए ने एक अलग स्वरूप प्राप्त किया। अब भारतीय नोट पर जॉर्ज VI के जगह पर सारनाथ के चतुर्भुज सिंह वाले अशोक के शीर्ष स्तंभ को चुना गया था। इस तस्वीर को आप 1 रुपए के नोट पर आज भी देख सकते हैं, परंतु 1 रुपए का नोट अब आपको रेयरली ही मिलती है। अब बात आती है महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट भारत में कब से छपने शुरू हुए। वर्ष 1969 में आरबीआई के द्वारा 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी जन्म शती स्मारक डिजाइन वाली सीरीज छापनी शुरू की थी। इससे अलग हटकर बात करें तो आरबीआई के द्वारा 1959 में 10 रुपए और 100 रुपए के एक विशेष नोट जारी किए गए थे, जिसको विशेष रूप से भारतीय हज यात्रियों के लिए जारी किया गया था, ताकि वे सऊदी अरब के करेंसी के साथ भारतीय करेंसी का विनिमय कर सके। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक भारत में सिर्फ सिक्के ही प्रचलन में थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में धातु की कमी पड़ने की वजह से करेंसीज को जारी किया गया था, जिसे हरवाला के नाम से जाना जाता था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में धातु की इतनी कमी पड़ गई कि भारत के विभिन्न रियासतों के द्वारा, जिसमें खासकर गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और मध्य प्रांतों के द्वारा सिक्के के स्थान पर करेंसी जारी करनी शुरू कर दी गई थी। अब वर्ष आता है 1996, जिसे महात्मा गांधी एरा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष से भारत के सभी नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपने लग गई थी। आप हमेशा भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं। इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तस्वीर को महात्मा गांधी के कार्टून से लिया गया है, जबकि यह सत्य नहीं है। इस तस्वीर को एक अज्ञात फोटोग्राफर के द्वारा लिया गया था, जिसे क्रॉप करके भारतीय नोटों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम लॉरेंस के साथ खड़े थे, यह एक महान राजनेता थे और वह ग्रेट ब्रिटेन में एक महिला मताधिकार आंदोलन के नेता भी थे। यह तस्वीर आज के राष्ट्रपति भवन, जो पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, उसके सामने लिया गया था। वर्ष 1996 में आरबीआई के द्वारा आधिकारिक रूप से गांधी सीरीज की नोटों की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2001 में 5 रुपए के नोट को छापा गया था, जिसमें सामने वाले हिस्से में महात्मा गांधी की तस्वीर और पीछे वाले हिस्से में जीवों की तस्वीर छापी गई थी, जो भारत को जैव विविधता वाला देश का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2001 में ही 20 रुपए के नोट को जारी किया गया था। इससे पहले भी 20 रुपए का नोट चलन में था, जिसके पीछे बौद्ध चक्र को छापा जाता था। मार्च 1997 में 50 रुपए का, जून 1996 में 100 रुपए का, अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का तथा नवंबर 2000 में 1000 रुपए के नोटों को छापा गया था। और आज तक भारत में एक ही तस्वीर वाली नोट चलन में है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में भी एक ही तस्वीर वाली सीरीज की नोटें छपती हैं। चाइना में माओ जेडोंग की तस्वीर, पाकिस्तान में मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर और भारत में महात्मा गांधी की तस्वीरें वाली नोटें छपती हैं। परंतु इससे अलग हटकर बात करें तो अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे देश हैं जिसमें अलग अलग नोटों पर अलग अलग तस्वीरें छपती हैं। रूस के नोटों पर लेनिन और स्टालिन के साथ साथ विभिन्न शहरों के तस्वीरें भी छपती हैं, तथा अमेरिका में हर अलग अलग नोटों पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें छपी हुई मिलती है। वहां पर आप अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीरों को नोटों पर देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि भारत भी अब इन्हीं की तर्ज पर मल्टी पीपल नोट्स को छापने की तैयारी में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब आरबीआई के द्वारा एक नई सीरीज की शुरुआत की जा सकती है, जिसमें गांधी जी भी रहेंगे और उनके साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर वाली नोटें भी चलन में आ सकती हैं। विशेषज्ञों की माने तो कहा जा रहा है कि भारत में यह कर पाना इतना आसान नहीं होगा। उनके द्वारा यह दलील दी जाती है कि भारत विविधता वाला देश है
और भारत के हर अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्थानीय महापुरुषों के नाम चर्चा में आ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPCMI जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसके द्वारा IIT दिल्ली को दो अलग अलग सेट सेंड किए गए हैं, जिसमें से एक को सिलेक्ट करके गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। तो यह था अब तक का अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।